जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बस ट्रेन की टाइमिंग प्रदर्शित होती थी, ऐसे ही यहाँ LED TV में बसों की टाइमिंग रहेगी कि कौन सी बस का अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है, ये सारी जानकारी डायरेक्ट TV के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। इसका कंट्रोलिंग भी हेड ऑफिस चाहिए। केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के संचालन व समय सारणी के लिए लगी 12 LED TV। हेड ऑफिस के द्वारा लगवाई गई LED TV पर राज्य व अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन व समय की उपलब्ध होगी जानकारी। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर अब रेलवे स्टेशन की तरह ही बसों के आवागमन व समय सारणी की जानकारी हेड ऑफिस द्वारा लगवाए गए LED TV पर उपलब्ध हो सकेगी। हेड ऑफिस जयपुर की ओर से अजमेर बस स्टैंड पर 12 LED TV लगवाए गए हैं, जिनका कंट्रोल हेड ऑफिस से ही होगा। उन्हीं के माध्यम से इस पर राज्य व अंतर्राज्यीय बसों की समय सारणी, स्टेटस रिपोर्ट और विज्ञापन दिखाए जाएंगे। CBS आगार मुख्य प्रबंधक राकेश सारस्वत ने बताया कि पूर्व में यहां बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अभय कमांड सेंटर की ओर से CCTV कैमरे लगाकर बस स्टैंड को हाईटेक किया गया था। अब हेड ऑफिस द्वारा लगाए गए 12 LED TV पर समस्त बसों के संचालन की जानकारी और पल पल की गतिविधि उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही विज्ञापनों के जरिए रोडवेज को आय भी होगी। हेड ऑफिस ने रेलवे की तर्ज पर बस स्टैंड पर 12 LED का स्थापन किया गया है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर बस ट्रेन की टाइमिंग प्रदर्शित होती थी, ऐसे ही यहाँ अपनी LED TV में बसों की टाइमिंग रहेगी कि कौन सी बस का अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है, ये सारी जानकारी डायरेक्ट TV के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। इसका कंट्रोलिंग भी हेड ऑफिस चाहिए और विज्ञापन वगैरह भी हेड ऑफिस से रहेगा। कितनी LED? 12 LED।